तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अभी जो 9 दिसंबर के बाद यूट्यूब का जो नया रूल आ गया है, जिस रूल को आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो आपका चैनल डी मोनेटाइजेशन पे चला जाएगा, आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या क्या करना पड़ेगा आपके चैनल के लिए, वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। ये जो लिंक है, इस लिंक को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या चेंज आया है यूट्यूब पे। तो पहला है, आप लोग देख सकते हो वीडियो स्पैमिंग, जो लोग पोस्ट करते हैं एक और थंबनेल में और एक देते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस तरह का जो चैनल है उस तरह का चैनल को यूट्यूब डीमोनेटाइजेशन कर देगा। ठीक है, जैसे सोचो कि मैं एक थंबनेल पर लिखा हूँ कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप लोग एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, उस वेबसाइट पर जाओगे, उस वेबसाइट को विजिट करोगे, उस वेबसाइट के अंदर आप लोगों को एक अकाउंट ओपन करोगे, उसके बाद देखोगे कि आपके पास से ही वो पैसा लेगा, वो पैसा लेने के बाद आपको एक अकाउंट ओपन करेगा, तो आप कभी भी एक दिन में 1 करोड़ रुपीस नहीं कमा सकते हो। तो एक क्या होता है, ये स्पैमिंग, इस तरह कोई लोग वीडियो बनाएगा तो उसका चैनल डीमोनेटाइज पे चला जाएगा। मिसलीडिंग मेटा डाटा एंड थंबनेल, तो कभी भी आप लोग किसी को मिसलीडिंग नहीं करो। जैसे बहुत लोग करते हैं कि अभी भी जाओ इंस्टाग्राम पे आप लोगों को 10,000 फॉलोअर्स मिल जाएगा फ्री में। जब लोग वीडियो ओपन करोगे, ओपन करने के बाद देख सकते हो उसके अंदर कुछ नहीं है, पूरा बकवास है, सेम टॉपिक सेम बात वो बोल रहा है आप लोगों को कि ये करो वो करो ये करो, आपको मिल जाएगा 10,000 फॉलोअर्स। लेकिन थंबनेल एक है, कॉन्टेंट अलग है, इस तरह करोगे तो आपका चैनल मिसलीडिंग कॉन्टेंट के अंदर चला जाएगा और आपका चैनल डिमोनेटाइज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेटिंग मीडिया, कॉन्टेंट एंड भी टेक्निकली मैनिपुलेटेड और डॉक्टोरेट यूजर मिसलीडेड विद द क्लिप टेकिंग आउट कॉन्टेक्स्ट एंड सीरियस रिस्क इंजूरियस हार्म। ठीक है, किसी को मैनिपुलेट करोगे, कुछ टेक्स्ट वगैरह, कुछ आप लोग कुछ क्लिप वगैरह आपके वीडियो के अंदर दिए हो, तो इसके थ्रू भी आप लोग का चैनल बैन हो सकता है, उसके साथ डीमोनेटाइजेशन के अंदर चला जाएगा। स्कैम के अंदर भी आपका चैनल आ जा सकता है। जैसे यूट्यूब पे अभी बहुत ज़्यादा स्कैमिंग हो रहा है, जैसे पेटीएम लेकर, फ़ोन पे लेकर, जैसे आपका हो जाए, आपका कोई भी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो एप्लीकेशन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्कैमिंग हो रहा है। जैसे बहुत लोग लिखते हैं कि 500 कैशबैक राइट नाउ, इस तरह करोगे तो आपको 500 कैशबैक ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह वीडियो जो बनाएगा या फिर बनाएगा तो उसको ज़रूर स्कैमिंग के अंदर उसका वीडियो चला जाएगा। उसके साथ कोई लोग लिख सकते हैं, मैं ब्लॉगिंग से इतना पैसा कमाया हूँ, देखो $3,000 कमाया हूँ, तो इस तरह लिखोगे और वीडियो के कंटेंट में अलग है, तो इस तरह करोगे तो आपका चैनल भी स्कैमिंग के अंदर चला जाएगा। नंबर 3, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करके इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो इस तरह करोगे तो स्कैमिंग के अंदर चला जाओगे। जो करोगे जेन्युइन करोगे, जेन्युइन दोगे, जेन्युइन व्यूअर्स आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वोटर सप्रेशन जो है, कॉन्टेंट एमिंग मिसलीड वोट अबाउट द टाइम प्लेस मीन्स एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वोटिंग फॉल्स क्लेम। जो लोग बहुत ज़्यादा लोग होता है कि कॉन्टेंट को एम करके, जो लोग कॉन्टेंट को एम करके फेक वोटिंग करते हैं, उसके लिए भी चैनल को डीमोनेटाइजेशन पर चला जाएगा। सब फॉर सब अभी मत करिए, सब फॉर सब टोटल बैन हो चुका है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके बाद सप्रेशन, सेंसर्स, पार्टिसिपेशन, ये जो है इसको आप लोग पढ़ लीजिए। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, ये नया आया है। डिस्ट्रीब्यूशन हैक मटेरियल, जो लोग हैक करते हैं कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन को हैक करता है कि काइन मास्टर को आप लोग 1 ईयर फ्री में यूज़ करिए, इस तरह जाओ, या फिर फिल्मोरा को इस तरह यूज़ करिए, जो 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 एप्लीकेशन के बारे में जो लोग बोलते हैं या फिर जो लोग हैकिंग सिखाते हैं
वो लोगों को भी चैनल डीमोनेटाइजेशन के अंदर चला जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह कमेंट स्पैमिंग भी आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था कमेंट स्पैमिंग। जो लोग बहुत स्पैमिंग करते थे कमेंट के अंदर, वो गलत चीज़ को लिखते थे या फिर कोई हैकर गलत चीज़ से बोलते थे, इस तरह भी आपका चैनल डीमोनेटाइजेशन के अंदर चला जाएगा। कमेंट स्पैमिंग भी मत करिए। और उसके साथ देख सकते हो साफ और साफ भी बंद हो गया है, साफ और साफ भी आप लोग अभी मत करिए, टोटल बैन हो चुका है साफ और साफ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसके साथ मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को पसंद आए तो शेयर करिए दोस्तों के साथ। और उसके साथ मैं बोलना चाहता हूँ, चलिए आज के लिए जाता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर मुलाकात होगी।